बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट 10। कक्षा हमारी 10वीं है, विषय हमारा हिंदी है, तिथि है 28 जुलाई। ठीक है, तो हमें दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वास्तव में मनुष्य सद और असद दोनों प्रकार के मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्ति को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों का रहस्य खोलकर साध्वित्य को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, जहाँ महासाहित्य आसानी से सफल होता है। ये कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रेताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र ये आत्मा से उसका ऐसा तदात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल में प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है, यानी कि जो युग में भावना होती है वही भावना उसमें होती है। ठीक है, आगे है, इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष, विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो ये हमें पैरा दिया था, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में लिखा है, उपरोक्त अनुच्छेद के में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्ति की बात की गई है। चलिए फिर हमें आगे भी क्वेश्चन दिए, पहले फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसा कि फर्स्ट में पूछा था, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य के किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है, उपरोक्त अनुच्छेद में मनुष्य के सद और असद नामक दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। फिर सेकंड में पूछा है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। देन थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इनके अर्थ लिखने थे हमें, तो उत्तर हर्ष, खुशी, विस्मय, आश्चर्य होना, द्वेष, शत्रुता और क्रोध, गुस्सा। तो ये हमारे इनके उत्तर हो गए। ठीक है, फिर आता है यह है, साहित्यकार शब्द साहित्यकार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। तो हमें कुछ शब्द बनाने थे, जैसे कि मूर्तिकार और पटकार। तो ये हमारे सारे शब्द कंप्लीट हो गए। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, बोला है साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो अपने मन से कोई भी कहानी या कविता लिखनी थी, है ना। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है, पढ़ते ही धरती पर बूंदों की बौछार, निकलते हैं धरती से पौधे हजार, फिर से होता है हरा भरा संसार, जब आती है सावन की बौछार। तो हमने एक कविता लिखी। ठीक है, ये हमारा आंसर फिफ्थ कंप्लीटेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।